हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश पेडागॉजी। आज से हम लोगों ने अपने चैनल पर सीटेट के लिए वीडियोस डालना शुरू कर दी है। हम सबसे पहले सब्जेक्ट्स पेडागॉजी को निपटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर एक बार सब्जेक्ट पेडागॉजी से क्या है, सभी के मन में एक डर रहता है कि पता नहीं हमें आएगी नहीं आएगी। तो इंग्लिश पेडागॉजी, हिंदी पेडागॉजी और मैथ्स पेडागॉजी, ये मैं टारगेट लेकर चल रही हूँ और पूरी कोशिश रहेगी कि एक महीने के अंदर आपकी ये सब्जेक्ट पेडागॉजी कंप्लीट हो जाए। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो आप उन लोगों तक शेयर करो जो लोग सीटेट अपकमिंग एग्जाम को देने वाले हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हैज विजुअल डेफिशिएंसी एज अ लैंग्वेज टीचर यू विल। अगर किसी भी बच्चे को देखने में दिक्कत है तो एज अ लैंग्वेज टीचर आप क्या करेंगे। देखिए, इंग्लिश पेडागॉजी है तो कोशिश कीजिए कि आप इसको इंग्लिश में ही समझें, मतलब मुझे इसको हिंदी में अनुवाद ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि एग्जाम के टाइम में ट्रांसलेशन के लिए कोई और तो नहीं आएगा ना, इसलिए कोशिश करना, ठीक है। अभी चूंकि फर्स्ट सेशन है इसलिए मैं आपको इसमें हिंदी में भी बोलती जाऊंगी, बताती जाऊंगी कि इसका मतलब क्या है। फर्स्ट हेल्प एंड आस्क हिज और हर पीयर्स, पीयर्स मतलब होता है सहपाठी दोस्त, टू असिस्ट इन रूटीन क्लास वर्क। गिव दैट चाइल्ड स्पेशल ट्रीटमेंट। देखिए, हमेशा याद रखना ये जो कुछ टर्म्स हैं ये आप अलग से लिखते जाइए कि जब भी स्पेशल ट्रीटमेंट की बात आ जाए, आइसोलेशन की बात आ जाए, सिंपैथी की बात आ जाए, तो ये नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ इंडिकेट करते हैं। हमें बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना है एज अ टीचर। एक्सक्यूज द चाइल्ड टू परफॉर्म लोअर देन अदर्स, मतलब बच्चों को कम आंकों, जिनको कोई प्रॉब्लम है, जिनको देखने में, सुनने में, चलने में, तो ऐसा नहीं है। फोर्थ, ट्रीट द चाइल्ड नॉर्मली, बिल्कुल सही कि आप बच्चे को नॉर्मली ट्रीट करो, सपोर्ट करो थ्रू ऑडियो मटेरियल। किसी को देखने में प्रॉब्लम है तो आप उसको ऑडियो मटेरियल के थ्रू चीज़ें लर्न करवा सकते हैं, सिखा सकते हैं। और अगर किसी को सुनने में प्रॉब्लम है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, चीज़ें पिक्चर्स दिखाएं, अलग अलग बड़े बड़े पिक्चर्स दिखाकर उसके थ्रू उसको सिखा सकते हैं। इस तरीके से आपको अपने ऑप्शंस को हिट करना रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्लियर हो गया। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द प्रैक्टिसेस इज मोस्ट एप्रिसिएबल बाय अ लैंग्वेज टीचर। स्टूडेंट हु आर फ्लुएंट स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश शुड बी कंसीडर्ड एज अ रोल मॉडल इन द क्लास। देखिए, एक बच्चे को रोल मॉडल बना दिया आपने, लेकिन दूसरे बच्चों के मन में तो इन्फीरियरिटी आ जाएगी ना। सेकेंड, मेक सम स्ट्रिक्ट क्लासरूम एग्रीमेंट्स। कभी भी स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए टीचर को बच्चों के प्रति। इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट इन हर क्लास फील एक्सेप्टेड एंड वैल्यूड विद वॉट एवर लैंग्वेज, सोशल, कल्चरल बैकग्राउंड ही और शी कम्स फ्रॉम। बिल्कुल सही बात है, सारे बच्चे को आप एक समान फील करवाइए कि वो किसी भी सोशल बैकग्राउंड से हों, किसी भी कल्चर से हों, किसी भी लैंग्वेज से मतलब वो बोलते हो, लेकिन उनको आपने एक तवज्जो दे रखा है, ठीक। इंश्योर दैट चिल्ड्रन स्पेशली कमिंग फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड। नहीं, कभी भी बच्चे को अपन को ऐसा फील नहीं करवाना है कि बेटा आप इन्फीरियर हो या ये बच्चा सुपीरियर है, देखो इसने बहुत अच्छा कर लिया, आपने नहीं करा। इस तरीके से बच्चों के मन में हमें चीज़ें नहीं डालनी है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। Children come to school with the knowledge of one or more than one language. Help children. देखिए, बच्चा है वो स्कूल आने से पहले परवेश में रहा है, फैमिली में, थोड़ा बहुत पड़ोस में भी जाता आता रहा है, तो इसका मतलब उसने लैंग्वेज सीखी है, रीजनल लैंग्वेज भी सीखी है, और जो उसके घर में जिस तरीके से बोली जा रही है वो लैंग्वेज भी सीखी है। तो लर्निंग अदर लैंग्वेज एंड न्यू सब्जेक्ट्स विद ईज, understanding cross culture and customs of the nation, being sensitive, not mingling with others, learning the script of those languages to score high. इस question का answer देखिए बहुत easy है, आप लोग खुद से कोशिश कीजिए। देखिए, स्कोर हाई करने के लिए कभी भी ऐसा नहीं होता है, स्कोरिंग हाई करना हो, अच्छे मार्क्स लाना हो, ये कभी भी सीटेट में पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से, क्योंकि सीटेट क्या है, आपका टीचर बनने का एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो जब आप टीचर बनने जा रहे हैं तो क्या आप बच्चे को लेबलिंग करेंगे, क्या आप बच्चे को केवल उसके मार्क्स के बेस पर जज करेंगे, ऐसा नहीं है ना। तो ये बस हमें व्यवहारिक ज्ञान के हिसाब से हमें अपनी लैंग्वेज पेडागॉजी में आंसर देना होता है। आप बल्कि जो बच्चा है अगर वो लैंग्वेज सीख कर आ रहा है या पहले से उसे कोई नॉलेज है किसी भी लैंग्वेज की, तो वो उसको नए सब्जेक्ट को सीखने में आसान बनाएगी।
आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। Which one of the following is not correct? देखिए not correct पूछा है about using a big book. Big book क्या है? जिसमें बड़े बड़े pictures हो, prints हो, symbols के form में चीज़ें बताई गई हों और उसी चीज़ों को लेकर आगे पूरी एक story narrate की गई हो, ठीक। It provides a creative and artistic learning environment which children respond to. It provides a child-centered environment where abstract concepts are symbolized within the text and images. It provides context for literacy practice as well as linguistic acquisition. It is better than the course book. And graded readers as students are free from textual exercise. देखिए कभी भी ऐसा नहीं है कि मतलब हम केवल कोर्स की बुक को हटाने के लिए ये सब कर रहे हैं, बल्कि जो बच्चे चीज़ों को समझ रहे हैं या जो चीज़ हम समझाना चाहते हैं वो अच्छे से आ जाए, इसलिए बिग बुक्स का यूज़ किया जाता है, प्रिंटेड फॉर्म में, कलरफुल फॉर्म में हो, ताकि बच्चों को और अच्छे से चीज़ें समझ आए। लेकिन इसमें क्या बोल दिया कि भाई कोर्स बुक बेटर देन द कोर्स बुक एंड ग्रेडेड रीडर्स एज अ स्टूडेंट फ्री फ्रॉम टेक्स्चुअल, तो ये गलत हो जाएगा और हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया था, इसलिए फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वाइल गोइंग थ्रू द नोटबुक्स ऑफ क्लास थर्ड स्टूडेंट की आपने नोटबुक चेक की एंड द लैंग्वेज टीचर नोटिस सम एरर्स, आपको कुछ गलतियां दिखाई दी, तो आप क्या रियलाइज करोगे एज अ टीचर? शी शुड इग्नोर, ऐसा नहीं है, ये भी आप एक पेपर पेन जरूर लेकर बैठिए, जो नेगेटिव पॉइंट्स उनको नोट कीजिए। कभी भी एज अ टीचर आप ऐसे नहीं कि बस हाँ बच्चा थर्ड क्लास में गलतियां कर रहा है, इग्नोर मार दो, इग्नोर नहीं करना है। चिल्ड्रन कमिट एरर एज दे आर केयरलेस, ऐसा नहीं है कि बच्चे केयरलेस हैं इसलिए वो मिस्टेक्स कर रहे हैं। चिल्ड्रंस आर कमिटिंग एंड रिपीटिंग एरर बिकॉज शी इज नॉट पनिशिंग, कभी भी पनिश नहीं करना है बच्चों को। फिर है चिल्ड्रंस एरर आर नेचुरल, भाई बच्चे हैं गलतियां करना स्वाभाविक है, एंड दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ देयर लर्निंग, ये इंडिकेटर हैं। तो ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार आया है कि जो एरर्स होती हैं वो क्या शो करती हैं, वो ये शो कर रही हैं कि बच्चा लर्निंग कर रहा है, इंडिकेटर्स ऑफ देयर लर्निंग। फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। A language teacher while assessing learners at primary stage should focus the most on, जब आप assess करते हो बच्चों को तो आपको क्या ध्यान देना चाहिए? Formal weekly test, भाई weekly test कर लो, तो primary stage पर है बच्चा, केवल weekly test पर तो base नहीं रहना चाहिए। Using variety of ways to collect information, बिल्कुल सही बात है, आप बहुत सारे तरीकों का उपयोग करेंगे about learner's performance और share करेंगे उस learner के साथ भी और उसके पेरेंट्स के साथ भी, बिल्कुल ठीक बात। टर्म एंड एग्जाम, मतलब पहले पूरे साल आपने जो पढ़ाया वो केवल लास्ट के टाइम में आप उसको असेस कर रहे हो, ये तो नहीं है ना। लर्निंग तो विद इन होनी चाहिए, मतलब जब आप कुछ पढ़ा रहे हो उसी में बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं उसको असेस करते रहना चाहिए। गिविंग असाइनमेंट, केवल असाइनमेंट देने से भी कुछ नहीं होगा, ये बहुत अच्छा है कि आप वैरायटी ऑफ वेज यूज़ करें टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट लर्नर्स और उसको कंसल्ट करें उस लर्नर के साथ भी और उसके पेरेंट्स के साथ भी, तो सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। According to Vygotsky, children learn through social interaction with peers as a language teacher one should. देखिए अब ये Vygotsky का question है, इसको language में include करके इन्होंने ये पूछ लिया। तो plan your lesson where they can sit individually. देखिए जब उन्होंने social interaction की बात की उसके सहपाठी के साथ तो individually तो option ही cancel है। Plan lesson that do not include play and discussion. अगर play और discussion ही नहीं होगा तो फिर बच्चा सीखेगा कैसे? यूज़ इंसेंटिव रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात Vygotsky नहीं करते हैं। प्लान फॉर पेयर एंड ग्रुप वर्क सो दैट दे कैन इंटरेक्ट विद पीयर्स एंड लर्न ईजीली, मोर ईजीली, ओके। तो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें आप ग्रुप में सीखो, एक्टिविटीज़ भी ग्रुप में हो ताकि आप इंटरेक्ट करो अपने पीयर्स के साथ। कुछ डाउट देखो, आपने भी देखा होगा जब आप पढ़ते थे साथ में
या अभी भी बहुत लोग ग्रुप स्टडी करते हैं, तो जब कोई डाउट आपको आ रहा है तो आपके किसी फ्रेंड ने उसको सॉल्व कर दिया, उसको कोई डाउट आ रहा है तो आपने सॉल्व कर दिया, अगर दोनों को नहीं आ रहा है तो आप मिलके कोशिश करते हो कि चलो लेट्स डू, इस तरीके से सोचते हैं इसको, इस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। तो अगर बच्चा प्राइमरी में है या छोटा है तब तो और ज़्यादा अगर सहपाठी का सहयोग मिलता है तो कोलैबोरेट करने की आदत हो जाती है। तो 4 विल बी द करेक्ट आंसर। You believe that human beings are born with the capacity to acquire language. Your belief align with which of the following theory? Operant conditioning, nativism, language acquisition device or reinforcement? तो ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न विद कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, ये बात नॉम चॉम्स्की ने कही, जो कि एक नेटिविस्ट थे और नेटिविज्म थ्योरी ये कहलाती है। इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में भी बताया कि लगभग 5 साल तक का जो बच्चा होता है वो बहुत सी लैंग्वेज को एक्वायर करने की उसमें क्षमता होती है। तो सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। रिडल्स, पजल्स, क्रॉसवर्ड्स एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन इंग्लिश टेक्स्ट बुक। तो ये क्या शो कर रहे हैं? डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी इन अ स्टूडेंट, बिल्कुल ठीक बात है। डेवलप द एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली। देखिए क्रॉसवर्ड है, पजल्स हैं, इसमें आप क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करोगे, यहाँ पर स्पीकिंग या कम्युनिकेशन का कुछ ऐसा है नहीं। हेल्प देम अंडरस्टैंड द टेक्स्ट बुक विद सम फन एलिमेंट्स, नहीं, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बहुत अच्छा जा रहा है। मेक द क्लासरूम एनवायरनमेंट लाइवली एंड फ्रेंडली, ठीक है, लेकिन लाइवली और फ्रेंडली के हम और भी टर्म्स यूज कर सकते हैं, और भी सारी चीज़ें हैं। बट हाँ, रिडल्स, पजल्स, क्रॉसवर्ड्स जो होते हैं ना, एक वर्ड यहाँ है, दूसरा वर्ड यहाँ है, उसको ऐसे मिलाकर कौन सा वर्ड बन रहा है, इस तरीके से, तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। अ टीचर नोटिसेस दैट अ चाइल्ड इन हर क्लास इज हैविंग डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग लैंग्वेज, अगर किसी को पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो ये क्या है? डिसलेक्सिया है। डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन से याद रखिएगा, मैथ कैलकुलेशन ऐसे याद रख लीजिएगा। तो जिसको मैथ्स प्रॉब्लम आती है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, दैट इज डिसकैलकुलिया। डिसप्रेक्सिया इट्स मोटर, मोटर स्किल से रिलेटेड जो भी कोई प्रॉब्लम होती है वो डिसप्रेक्सिया। और डिसग्राफिया ये लिखने से संबंधित होती है। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। ये इंग्लिश पैडागॉजी का इस सेशन का फर्स्ट सेशन था हमारा। आज की पहली क्लास आप लोग के लिए कैसी रही, कॉमेंट्स ज़रूर बताइएगा अपने, जो भी अगर आप इम्प्रूवमेंट या कुछ भी जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं और जो भी इम्प्रूवमेंट मैं कर सकती होंगी अपने लेवल पर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। और पसंद आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो यूट्यूब रेकमेंड करेगा वीडियो को, चैनल को, तो थोड़ी हमारी ग्रोथ अच्छी होगी। और शेयर करें जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी तरह की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट पेडागॉजी वीडियो को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।